राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 13 दिसंबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी जोरों शोरों पर है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी, साथ ही कार्यकर्ताओं और आम जनता को बड़ी संख्या में पहुंचकर समारोह को ऐतिहासिक बनाने की अपील की है। समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और अन्य राज्यों के सीएम सहित मंत्रीगण शामिल होंगे, जिनकी सुरक्षा को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। रायपुर के साइंस कॉलेज में 13 दिसंबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए हर थोड़े समय में बीजेपी के दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने बीजेपी के कार्यकर्ता सहित सभी वर्ग के लोगों को बड़ी संख्या में समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। उनका कहना है कि जिस तरह से भाजपा ने विधानसभा चुनाव में जनमत और वोटों के प्रतिशत से ऐतिहासिक जीत दर्ज किया है, ठीक उसी तरह शपथ ग्रहण समारोह में भी ऐतिहासिक होगा। वहीं तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी ने बताया कि समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई राष्ट्रीय नेता शामिल होकर नवनिर्वाचित सीएम और मंत्रियों को आशीर्वाद देंगे। साथ ही भाजपा शासित राज्यों के सीएम सहित मंत्री भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं इनकी सुरक्षा को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस जवानों को तैनात किया गया है, साथ ही एडीजी और आईजी लेवल के अधिकारियों को भी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जनमत दिया है, वोटों के प्रतिशत के हिसाब से और सीटों के हिसाब से। कल शपथ ग्रहण समारोह होना है, जिस प्रकार से पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली है, शपथ ग्रहण समारोह भी ऐतिहासिक होने वाला है। रायपुर के विज्ञान महाविद्यालय के मैदान में ये शपथ ग्रहण समारोह होना है। इस शपथ ग्रहण समारोह में आशीर्वाद देने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी सहित अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री, अनेक माननीय केंद्रीय मंत्री, अनेक राज्यों में पार्टी के हमारे नेता और पूरे छत्तीसगढ़ भर से सब प्रतिष्ठित जन, समाज के विद्वत जन, पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल होने वाले हैं। आप सबको भी उस शपथ समारोह के लिए मैं आमंत्रित करता हूं, छत्तीसगढ़ की जनता को आमंत्रित करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करता हूं, प्रदेश के सभी प्रबुद्ध जन और विभिन्न संगठन के पदाधिकारी सभी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं इसे ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए। शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम यहां पर आयोजित होना है और हमारे छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी पर जनता ने भरोसा जताया है, उसके अनुसार आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी यहाँ पर शपथ ग्रहण करेंगे साइंस कॉलेज ग्राउंड पर, और इसकी भव्य तैयारियाँ की जा रही हैं और 50,000 से अधिक लोगों के यहाँ पर उपस्थित होने का अनुमान है। और हम इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो देश ने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी और अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री, हमारे प्रभारी ओम माथुर जी, मनसुख मांडिया जी, नितिन नवीन जी जैसे सभी प्रमुख लोगों को यहाँ पर निवेदन किया गया है। अभी कन्फर्मेशन आना बाकी है और जल्द से जल्द शपथ ग्रहण समारोह के लिए सारी तैयारियां की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आने की जो है शपथ ग्रहण समारोह आने का जो कार्यक्रम है उसको ध्यान में रखते हुए पर्याप्त संख्या में जो फोर्स को तैनात किया गया है और इस पूरे कार्यक्रम की जो सुरक्षा जो व्यवस्था के लिए एक एडीजी स्तर के अधिकारी को नियुक्त किया गया, साथ ही 4 आईजी स्तर के अधिकारी भी तैनात किए गए। और इस कार्यक्रम के साथ साथ शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था को भी देखते हुए काफ़ी जो मैनेजमेंट किया गया और दूर दूर से काफ़ी संख्या में जो भी यहाँ कार्यक्रम में शामिल होने के लोग आएंगे उनके लिए ट्रैफिक की जो है वो भी व्यवस्था की गई। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें सरमई टाइम्स के साथ। मैं था आपके साथ नारायण पांडे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।